नमस्कार दोस्तों, मैं उसी माँ, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ऐसा कुछ रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि स्किन के रिलेटेड होता है। हमारी स्किन पे जैसे कि हमारी स्किन चमकदार नहीं होती, विंटर का टाइम होता है और हमारी स्किन डल दिखने लग जाती है विंटर के टाइम, क्योंकि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमी हो जाती है, वो थिक होने लग जाती है। और हम ठंडियों के मौसम में यानी कि आजकल सर्दियों में जो है अपनी स्किन को हम ज़्यादा करके ध्यान भी नहीं दे पाते। तो इसके रिलेटेड आज मैं कुछ बताने वाली हूँ आपको कि ऐसा क्या करें कि हमेशा ग्लो बना रहे आपकी स्किन पर और आपकी स्किन हमेशा बहुत ही अच्छी दिखती रहे इस विंटर के टाइम पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हाँ आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना। अगर आपने इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और DM कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते। आपको क्या करना गाइस, सबसे पहले आपको लेना है येलो वीरा जेल। अगर आपके पास प्लांट है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास प्लांट नहीं है आप मार्केट का भी ले सकते हैं, मैं ज़्यादा करके पसंद करती हूँ पतंजलि का, ठीक है। और सेकेंड चीज़ लेना है आपको हनी, हनी लेनी है और बेसन, बस तीन इन्ग्रीडियंट्स लेना है आपको। हफ्ते में 2 बार लगानी है इन तीनों को अच्छी मात्रा में मिक्स करके, ठीक है। हमने 1 टेबल स्पून बेसन लेनी है और 1 टेबल स्पून हमें जो है एलोवेरा जेल लेना है और 1 ही टेबल स्पून जो है हम शहद लेंगे। बहुत लोगों को शहद नहीं सूट करता है तो आप इसकी जगह टमाटो पल्प यानी कि या फिर आप टमाटर का जूस या फिर आप आलू का जूस रस जो है निकाल कर कद्दूकस करके आप ले सकते हो और उसको अच्छे से पेस्ट बना लेना, अगर आपको जो है हनी सूट नहीं करती तो, ठीक है। मुझे भी हनी सूट नहीं करती इसलिए मैं टमाटर पल्प इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। टमाटर पल्प ऐड कर लेंगे और इसको जो है अपने स्किन पे हम बहुत अच्छे से लगाएंगे पूरी स्किन पे, और हमें 15-20 मिनट तक छोड़ना है इसको। और 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद इसको क्या करना है आपको जो है, जब ये सूख जाता है, सूख जाने के बाद हमें सर्कुलर मोशन में रब करनी है। रब करने से इससे क्या होगा, हमारी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो बढ़ेगा। आपको जो है हफ्ते में 2 से 3 बार करना है इस चीज़ को, और बहुत ही अच्छा ये होममेड फेस पैक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस फेस पैक को, आपकी स्किन दिन ब दिन ग्लो करती जाएगी। आपको वीक में बस शर्त इतनी है, वीक में 3 बार ज़रूर इस रेमेडी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यही करेंगे और 15 से 20 मिनट बस आपको जो रब करना है, रब करना नहीं छोड़ना है आपको, 1 से 1 मिनट 1.5 मिनट ज़रूर करनी है रब, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे और ये रेमेडी बहुत ही अच्छा है, और इस फेस पैक को ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मैं आऊँगी एक नए वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।